कानपुर कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त एडीसीपी अपराध, महिला थाना प्रभारी निरीक्षक सहित अन्य अधिकारियों ने जनमानस को शांतिपूर्ण तरह से त्योहार मनाने के संदेश दिए। इस दौरान सभी ने अपने परिवार के साथ मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्ण तरह से पर्व मनाने की अपील की है। देखिए, ये आजादी के बाद अमृत महोत्सव और अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल की ये पहली दिवाली है जिसमें सौभाग्य से धनतेरस दो दिन पड़ रही है। तो ये धनतेरस समाज के सभी वर्गों को फलदायी हो, सब उन्नति करें, प्रगति करें, सब भाईचारे के साथ रहें, सबको रोजगार के अवसर मिले, विकास के अवसर मिले, तभी भारत एक नए भारत के रूप में खड़ा होगा। और आज कई दिन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पूरे देश में 75,000 नौकरियों के प्रमाण पत्र बांटे गए हैं। एक समय में एक साथ पूरे देश में इतनी बड़ी नौकरियों देने का तोहफा माननीय प्रधानमंत्री ने किया है, और केवल तोहफा ही नहीं दिया है तो उन्होंने 10,00,000 अन्य नौजवानों को नौकरी देने का वायदा भी किया है और कहा है कि जो जगह रिक्त हैं, खाली हैं, उनको तुरंत भरने की प्रक्रिया चालू की जाए ताकि नौजवानों को रोज़गार मिल सके और वो परिवार उन्नति प्रगति करें। इसके साथ साथ उन्होंने एक और अपेक्षा की है कि जो आपको नौकरियां मिली हैं इसमें नौकरियों में सेवा भाव से काम करें। मैं आपके माध्यम से कानपुर जनपद के निवासियों को आगामी महापर्व की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, साथ ही उन सबसे अपील भी करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि आगामी महापर्व में भीड़ को देखते हुए और धुआं एवं पटाखों का शोर भी होगा, इसको देखते हुए अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें और ख़ास तौर से जो सांस के रोगी हैं वो धुएं से बचें। दिवाली के पर्व पर स्वास्थ्य विभाग ने किस तरीके की व्यवस्था कर रखी है, मान लो कोई व्यक्ति जल जाता है या उस तरीके की क्या व्यवस्था आपके पास? इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की हुई है, हमारे जो अस्पताल हैं, हैलेट है, उर्सला है, काशीराम अस्पताल है, हमारे समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इन सब में हमने निर्देश दिए हुए हैं, सब जगह पे इसके लिए बेड्स आरक्षित कर दिए गए हैं जिसमें कि और सब जगह इमरजेंसी टीमों को अलर्ट करने रहने के लिए कह दिया गया है, विशेष रूप से वर्ण संबंधी विशेषज्ञ और आँख के रोग के संबंध में, क्योंकि दीपावली में चूँकि ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं अतः इनकी संभावना बनी रहती है कि इसके रोगी आए, तो इसके लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं सब जगह और सब जगह तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। मैं जनपद समस्त जनपद वासियों को दीपावली पर्व और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और अपने मीडिया साथियों को भी दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और सभी से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये एक पर्व है और सब लोग मिलजुल कर आपस में सौहार्द के साथ मनाएं, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी को कोई आहत पहुंचे और सब लोग मिलकर शांतिपूर्वक ढंग से त्यौहार का आनंद उठाएं। दीपावली के इस पावन पर्व पर मैं समस्त कानपुर के नगरवासियों को हार्दिक बधाइयां देता हूं। मुझे विश्वास है कि जो व्यवस्थाएं पुलिस ने इस त्यौहार पर खास करके आज धनतेरस के अवसर पर शहर में की है वो एक अच्छा वातावरण सभी नगरवासियों को देगी और सभी नगरवासी अत्यंत ही हर्षोल्लास के साथ दीपावली का ये पावन त्यौहार मनाएंगे। पुनः इस अवसर पर मैं समस्त नगरवासियों को हार्दिक बधाइयां देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं।